हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड जीके साइंस है। ये प्रीवियस ईयर स्टाफ नर्स का क्वेश्चन पेपर है 2016 का, इसरो का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने बहुत पढ़े हैं इसीलिए इनको अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के आए हैं इस पेपर में। चलिए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप हो, क्योंकि ये सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। क्योंकि जो आरआरबी अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी का स्टाफ नर्स के लिए और पैरामेडिकल वैकेंसी के लिए, उन सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको एक हेल्प और रहेगी कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है तो आपको समझने में भी ईजी रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थियामिन थेरेपी इन एल्कोहलिक पेशेंट इज टू प्रिवेंट, जो थियामिन थेरेपी है एल्कोहलिक पेशेंट को किस चीज़ को रोकने के लिए दी जाती है। सो हियर इज़ द करेक्ट आंसर इज वर्निक्स कोर्साकोफ सिंड्रोम। जो वर्निक्स कोर्साकोफ सिंड्रोम देखने को मिलते हैं उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एल्कोहलिक पेशेंट में थियामिन थेरेपी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग एक्शन टू चेंज चाइल्ड्स बिहेवियर इन अ चाइल्ड विथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे एक नर्स का एज अ नर्स क्या करेंगे आप यदि किसी बच्चे को ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो आप उसका जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे आंसर आएगा बी, रिवॉर्ड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यदि बच्चा अच्छे से बिहेव करेगा उसको ये बताएंगे कि यदि आप अच्छे से बिहेव करोगे या फिर किसी भी तरीके की हाइपर एक्टिविटी नहीं करोगे तो कुछ भी अच्छा काम करने पे आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा बी, रिवॉर्ड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। ये रिसर्च का क्वेश्चन, सॉरी स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, नर्सिंग में एक सब्जेक्ट रिसर्च इन स्टैटिक्स, उसका क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, सॉरी जो मेजर करते हैं उसका वेरिएबिलिटी को मेजर करने का कौन सा माध्यम नहीं है, तो वो है रेंज। और जो मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सभी यूज़ किए जाते हैं वेरिएबिलिटी में, बट जो रेंज है वो यूज़ नहीं की जाती है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स हाई क्वालिटी केयर बीइंग मेंटेन। इसमें से क्या है जो हाई क्वालिटी केयर को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो है क्वालिटी इंडिकेटर्स। क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं वो हाई क्वालिटी को, हाई क्वालिटी केयर के लिए इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है वो क्या है, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में आते हैं मीन, मीडियन, मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेकिंग द इक्विपमेंट एंड सप्लाईज पीरियोडिकली इज नोन एज। जो भी इक्विपमेंट हैं उनको चेक करना एज अ पीरियोडिक फॉर्म में, टाइम टू टाइम उनकी सप्लाई करवाना, उसको क्या कहते हैं, आइटम एनालिसिस। नेक्स्ट है पेयर्स पैचेस आर फाउंड इन, जो पेयर्स पैचेस हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जीका डिसीज, जो जीका डिसीज है इसके बारे में क्या सही नहीं है, तो वो है, करेक्ट आंसर इज सी, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड स्प्रेड्स बाय द कंटामिनेशन। क्योंकि जो सॉरी जो जीका डिसीज है, जीका वायरस है, वो मॉस्क्यूटो के कारण होता है, जो एडीज मॉस्क्यूटो है वही इसको स्प्रेड करती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा कि कौन सा फैक्टर सही नहीं है जीका डिसीज़ को लेकर, तो वो है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड स्प्रेड्स बाय द कंटामिनेशन। क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया, जीका वायरस में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो फ्लेवी वायरस कैटेगरी के रहते हैं, जो एडीज मॉस्क्यूटो रहता है वही इस डिसीज़ को स्प्रेड करता है, यहाँ पर बैक्टीरिया का कोई भी रोल नहीं रहता। तो यहाँ पर आंसर आएगा सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन। बॉडी मास इंडेक्स रेंज फॉर ओवरवेट इज, जो BMI रहती है वो ओवरवेट के लिए क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा डी, 25 to 29.9। क्योंकि जो ओवरवेट के लिए जो नॉर्मल रेंज रहती है वो रहती है 25 to 30, बट यहाँ पे एज अ ऑप्शन
करेक्ट आंसर आएगा डी, क्योंकि लेस यदि जो भी बीएमआई है, सॉरी जो भी बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो 18.5 के आसपास रहेगा तो वो अंडरवेट की रेंज में आ जाते हैं, और जो 18.5 टू 25 में रहेगा तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, और यदि जो बीएमआई है वो 20 टू 30 जाएगा तो वो ओवरवेट की रेंज में आएंगे, यदि जो बीएमआई है वो 30 से अबव द 30 जाएंगे तो वो ओवेस और ओबेसिटी की रेंज में आ जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है ओवरवेट, तो ओवरवेट में आएगा डी 25.0 टू 29.9। नेक्स्ट इज फ्लोरेंस नाइटेंगल वाज बोर्न इन विच कंट्री, फ्लोरेंस नाइटेंगल थी उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो था इटली में। नेक्स्ट इज इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट विच कलर्ड प्लास्टिक बैग इज नॉट यूज्ड, जो हॉस्पिटल में वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसमें किस कलर के बैग नहीं यूज किए जाते हैं, करेक्ट आंसर आएगा ए ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर के बैग हैं वो हॉस्पिटल में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं, क्योंकि जो रेड कलर है इसमें जो भी ड्रेसिंग मटेरियल रहते हैं, पीओपी कास्ट रहती है, उन सब के लिए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जो येलो है इसमें एनाटॉमिकल वेस्ट रखा जाता है, जैसे कि प्लेसेंटा या कोई भी पैथोलॉजिकल वेस्ट या फिर कोई भी बॉडी पार्ट्स हो, वो येलो कलर के बैग में जाते हैं। जो इन्फेक्टेड प्लास्टिक रहता है वो ब्लू में जाता है, और ब्लैक कलर का जो भी बैग यूज़ किए जाते हैं उसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड केमिकल वेस्ट यूज़ किया जाता है, बट ग्रीन कलर है जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज द एपिथीलियल टिश्यू दैट लाइंस द यूरिनरी ब्लैडर इज, एपिथीलियल टिश्यू है वो यूरिनरी ब्लैडर में कौन से एपिथीलियल टिश्यू रहते हैं, तो वो रहते हैं ट्रांजिशनल एपिथीलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज, नॉर्मल जीएफआर है वो कितनी होती है, वो होती है 125 ml पर मिनट, नॉर्मल जीएफआर इज 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट इज अ नॉर्मल जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है जो वर्क करती है एज अ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, तो वह पैंक्रियास ग्लैंड। नेक्स्ट इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेज ऑफ द सेल ड्यूरिंग माइटोसिस, करेक्ट आंसर इज डी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये सेल डिवीजन के लिए स्टेज हैं, सबसे पहले प्रोफेज होगा, मेटाफेज, देन एनाफेज एंड लास्ट इज द टेलोफेज स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज, आंसर इज एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायफ्राम इज सप्लाइड बाय विच नर्व, जो डायफ्राम है उसमें किस नर्व के थ्रू सप्लाई होती है, तो वह फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व सप्लाइज द डायफ्राम। नेक्स्ट इज लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स, इट्स जो प्लेटलेट्स है उसका जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पेन वो होता है एक्चुअल जो होता है वो होता है 9 to 12 days, बट एज अ ऑप्शन यहाँ पे आंसर आएगा सी 8 to 12 days। नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम एनी आर्टिकल सरफेस और मीडियम इज नोन एज, आंसर इज ए स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स, जो प्रोटीन का सिंथेसिस वो कहाँ पे होता है, वो होता है राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन कॉजेस ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, मीन जो यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑक्सीटोसिन है वो सभी काम करता है किसी एक को छोड़कर, तो वो है लैक्टोजेनेसिस, क्योंकि जो लैक्टोजेनेसिस है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है, नॉट अ ऑक्सीटोसिन। सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज सी लैक्टोजेनेसिस, जो मिल्क इजेक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, मायोएपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन, ये सभी फंक्शन होते हैं ऑक्सीटोसिन के कारण, बट जो लैक्टोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो होती है प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, SGLT2 इनहिबिटर्स आर द न्यू ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ये जो ड्रग हैं रिसेंटली 2013 या 16 में यूज़ की गई थी, ये किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, तो ये होती हैं यूज डायबिटीज मलाइटिस के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग,
पेरेंटल रूट होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग का, वो इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो है रेक्टल रूट। जो पेरेंटल रूट होते हैं वो होते हैं इंट्रावीनस, सबकटेनियस, इंट्रावास्कुलर। तो यहाँ पे जो रेक्टल है वो पेरेंटल रूट नहीं है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट इज स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर द डेथ, इसको क्या कहते हैं, राइगर मॉर्टिस। स्टिफनिंग राइगर मॉर्टिस मरने के बाद देखने को मिलता है, जो भी बॉडी में देखने को मिलता है स्टिफनेस मॉर्टिस ऑफ द डेथ, इसको ये बोलते हैं, जो भी थर्ड स्टेज ऑफ डेथ इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो बॉडी है आफ्टर द डेथ रिजिडिटी देखने को मिलती है, जो भी हाथ पैर हैं उनमें स्टिफनिंग देखने को मिलेगी, ये सभी चीज़ें राइगर मॉर्टिस की कंडीशन उसमें आ जाती हैं कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हाइल ट्रीटिंग अ लेसरेशन, इसमें से कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेसरेशन, जो भी कंडीशन हो रही है लेसरेशन में, तो वो है करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, 5% डेक्सट्रोज इज, 5% डेक्सट्रोज है वो क्या है, वो है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, जो कौन सी ड्रग है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है, तो वो है एनालप्रिल। जो एनालप्रिल है ये सीधे अफेक्ट करती है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को, जिसके कारण जो भी मदर और फीटस है दोनों में मॉर्बिडिटी की रेट मॉर्बिडिटी के चांस बढ़ जाते हैं, और मदर या फीटस इसमें डेथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसीलिए जो एनालप्रिल है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये डायरेक्ट अफेक्ट करती है रेनिन एंजियो सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनेबिलिटी टू रीड स्मॉल लेटर्स हेल्ड एट यूजुअल डिस्टेंस इज अ फीचर ऑफ, ये फीचर है प्रेसबायोपिया का, प्रेसबायोपिया की कंडीशन है जो एजिंग प्रोसेस में होती है आफ्टर द 45-50 ईयर्स के बाद में, इस टाइम पे कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन मीन्स, प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन है वो, इसका अर्थ क्या होता है और इसका मीनिंग क्या है, तो वो प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स, जो भी प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन है ये प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अ फिजिशियन ऑर्डर्स 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन टू बी इन्फ्यूज्ड ओवर 8 hours, व्हाट इज द फ्लो रेट, सॉरी व्हाट इज द फ्लो रेट अ नर्स हैज टू सेट इफ ड्रॉप फैक्टर इज 15 drops per ml, करेक्ट आंसर इज डी, 31 drops per minute। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में मैंने 30 क्वेश्चन दिए, जो नेक्स्ट पार्ट है उसका मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, तो गाइस देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, थैंक यू।